नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य। बालाघाट में समर्थकों ने मनाई खुशी। देश में अनुसूचित जाति का होगा विकास, सिद्धांत पाटिल बालाघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा प्रदेश शासन के नगरीय एवं प्रशासन विभाग के पूर्व राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से जिले में अनुसूचित जाति वर्ग में खुशी का माहौल है। जिले में जैसे ही अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के मनोनय की खबर बालाघाट पहुंची, वैसे ही उनके समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई। भाजपा कार्यालय के सामने अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा नगर मंत्री सिद्धांत पाटिल के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के युवाओं द्वारा अनुसूचित जाति मोर्चा का पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंत्री सिद्धांत पाटिल ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति मोर्चा का पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका बालाघाट से गहरा नाता है। प्रदेश शासन काल में मंत्री रहते हुए लाल सिंह आर्य न केवल शासकीय कार्यक्रमों में बालाघाट पहुंचे, अपितु सामाजिक स्तर पर मनाए जाने वाले अंबेडकर जयंती और संविधान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होकर सामाजिक लोगों से एक जुड़े रहे। अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का विकास होगा। उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के मनोनय पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का भार भी जताया है। अजय सुखदेव, नितिन मेश्राम, विशाल मेश्राम, अरविंद चौरे, बंटी नगपुरे, शैलेंद्र थकरेले, राजवैद, सुमित यादव जी शामिल रहे। नाम सिद्धांत पाटिल, भारतीय जनता पार्टी, नगर मंत्री भाजपा। आज पटाखे आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री माननीय लाल सिंह आर्य जी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी और पूरी राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी खुशी में पूरे देश में अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोगों में हर्षोल्लास है। बालाघाट से लाल सिंह आर्य जी का बहुत पुराना नाता रहा है। वे कई बार बालाघाट की पावन धरा पे आ चुके हैं और संविधान दिवस जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति से अनुसूचित जाति वर्ग मोर्चा बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय लाल सिंह आर्य जी को अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं लाल सिंह आर्य जी को अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करने पर। धन्यवाद।